अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। तो आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ सऊदी अरब के कुछ ज़रूरी और बड़ी अपडेट। इसके अलावा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हज नुमरा की तरफ से अपडेट आई है। जैसे कि आपको पता है, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उन लोगों के लिए आज आखिरी दिन है, आज ही बुक कर सकते हैं अपने हज के लिए। तो इसके अलावा यहाँ पे रेट में कुछ तब्दीली की गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हज का पैकेज यहाँ पे अनाउंस किया, मैं इससे पहले वीडियो बनाया था, लेकिन यहाँ पे कुछ तब्दीली की है, कुछ कम किया गया हज के रेट को लेके, यहाँ पे पैकेज को लेके। तो आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सऊदी अरब को जरूरी और बड़ी अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले यहाँ पे खुशखबरी आपसे शेयर कर दूं, गुड न्यूज। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से अपडेट आए, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं यानी डोमेस्टिक वर्कर हो या कोई भी हो, यहाँ पे सऊदी अरब में अगर हज करना चाहता है तो यहाँ पे पैकेज को अनाउंस किया गया था। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था, यहाँ पे तीन कैटेगरी के पैकेज बताए गए थे, 14,000 के पार था पैकेज, लेकिन यहाँ पे कुछ कमी की गई है। यहाँ पे तीन कैटेगरी, एक था मीना टावर का और दो यहाँ पे हॉस्पिटलाइज यानी कैब का था, लेकिन यहाँ पे कुछ रेट में तब्दीली की गई है, कुछ कमी की गई है। तो आइए इस वीडियो में पूरा जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, आज है 11 जून, आज के बाद से आप नहीं बुक कर सकते हज के पैकेज को, यानी हज करना है तो आज ही लास्ट डेट है, आज के बाद से आप नहीं बुक कर सकते, आज ही आखिरी दिन है। इसके अलावा आपको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हज के सीजन जब आएंगे तब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले साल का। तो यहाँ पे अगर आज लास्ट अगर आप बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस आपको बता दी गई है, यहाँ पे मीना टावर जो पहले डिसाइड किया था, जो पहले पैकेज था 14,737 रियाल का, लेकिन यहाँ पे कमी करके यहाँ पे 13,943 कर दिया गया है। और यहाँ पे हॉस्पिटलाइज जो कैंप था दूसरे नंबर का था, यहाँ पे 13,043 का पैकेज था वो दूसरे नंबर का, लेकिन यहाँ पे 11,970 रियाल का दिया गया था। और तीसरा सबसे लास्ट का जो पैकेज था, यहाँ पे अनाउंस किया गया था 10,238 रियाल का, लेकिन कम करके यहाँ पे 9,098 रियाल कर दिया गया है। अगर आपको बुक करना है तो आज लास्ट डेट है, आप जाके बुक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की वेबसाइट पे आप जाके बुक कर सकते हैं। ये थी आज की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से अपडेट, जो आपसे मैं शेयर किया हूँ। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जो लोग हज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मालूम जरूर होना चाहिए। इसके अलावा अगली अपडेट आपको मैं बता दूं, गैस्को कंपनी की तरफ से यहाँ पे सिलेंडर गैस की जो प्राइस को बढ़ाती और घटाती रहती है, यहाँ पे पूरा डिसाइड किया, यहाँ पे सिलेंडर का आज की जो प्राइस यहाँ पे बताई गई है, गैस्को कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस किया कि सऊदी अरब में अब गैस की प्राइस यहाँ पे 18.85 रियाल हो गई है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इससे पहले गैस की प्राइस सऊदी अरब में 17.5 रियाल की थी, अब 18.85 रियाल की अब आपको गैस मिलेगी सऊदी अरब में। जो लोग खाना बनाते हैं, गैस की प्राइस पे भी इजाफा कर दिया गया, इसको एक्सपेंसिव कर दिया गया, इसको महंगा कर दिया गया है, यानी 18.85 रियाल का अब आपको गैस सिलेंडर मिलने वाला है। इसके अलावा अगली अपडेट आपको मैं बता दूं, आरामको कंपनी की तरफ से अपडेट आई है, जो यहाँ पे सऊदी अरब में पेट्रोल की प्राइस है 91 और 95, यहाँ पे बताया गया कि सेम वही प्राइस है। आपको पता है 91 2.18 रियाल का यहाँ पे है, और यहाँ पे 95 2.33 रियाल का है, यहाँ पे सेम प्राइस अलाउंस की गई है। इसके अलावा यहाँ पे डीजल की प्राइस को भी बताया गया कि 1 लीटर डीजल आपको 63 हलाला में मिलने वाला है, और गैरोसिन यहाँ पे बताया गया कि 81 हलाला में आपको मिलेगा अब गैरोसिन लीटर, और यहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम यहाँ पे 90 हलाला पर लीटर मिलने वाला है। तो ये आज की अपडेट थी आरामको कंपनी की और गैस्को कंपनी की अपडेट। इसके अलावा अगली अपडेट आपको मैं बता दूं, सऊदी सिटीजन यानी सऊदी शहरी था, उसके ऊपर 30 मिलियन रियाल की फाइन लगाई गई है, और यहाँ पे इसके अलावा ये भी बताया गया कि 10 साल की जेल भी कर दी गई है। किया गया ऐसा, यहाँ के कानून के मुताबिक कोई भी शख्स यहाँ पे कोई ऐसा जानवर नहीं पाल सकता है जो कानूनन जुर्म है। तो यहाँ पे वो सऊदी ने 3 शेर को पाला था, इसी वजह से ऊपर ये 30 मिलियन रियाल की फाइन और 10 साल की जेल करार दी गई है। तो दोस्तों ये आज की अपडेट जो मैं आपसे शेयर किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।